बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जिला सदर मुनीर साहब है और साहिल बशीर साहब है। जी आपके क्या मुतालबे हैं इस वक्त? कुपवाड़ा के मेन चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर टीचर्स फॉरम कुपवाड़ा की ओर से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और यहाँ पर इनके कुछ डिमांड्स हैं। थोड़ा सा आप आगे जाए, इनके कुछ डिमांड्स हैं, इनसे हम आज बात करेंगे। जी आपकी बात कर रहे हैं, ये अभी फिलहाल मीडिया से बात कर रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त कैंडल मार्च जो है वो लगातार चल रहा है, वो यहाँ से लगातार चल रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए से दिखाने की कोशिश करेंगे और हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जिला सदर मुनीर साहब है और साहिल बशीर साहब है। जी आपके क्या मुतालबे हैं इस वक्त? मुतालबे तो सर हमारे मुतालबे काफी हैं। हमारे मुतालबे ये हैं कि जितने भी लिग्निटिक ब्राइट सन टीचर उसके उनको पूर किया जाए। जितने ट्रांसफर पॉलिसी 2002 से अभी तक रुकी है लेबर तालीम के हक में, वो नहीं दिया जा रहा है। प्रमोशन जो हमारी है वो रुकी पड़ी है। हमारे डिपार्टमेंट को दिलवेश बना दिया गया है, इंचार्ज सिस्टम बनाया गया है और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं हमारे वो सफर कर रहे हैं, हमारे मुलाजमीन जो है वो सफर कर रहे हैं। इसलिए हम निकले हैं कि इस तमाम सिस्टम को हमारी प्रमोशन को बाकी जितने भी रुके पड़े मामला था उनको हल किया जाए। तो मुनीर साहब आपको बता दें कुछ दिन पहले यहाँ पर RET फोरम ने भी इसी पर एक एहतजाज किया था। क्या हम ये माने कि सारे टीचर जितने भी फॉर्मर्स हैं या जितने भी टीचर्स हैं वो अब सड़कों पर आने वाले हैं अपने हक के लिए? सर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम सबसे बड़ी तंजीम है और रहबर तालीम जो हमारी तंजीम है वो उन्होंने भी एहतजाज किया। हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि टीचरों के जितने भी मामले पड़े हुए हैं जिनका हल तलब मामले हैं उनको हल किया जाए, नहीं तो फोरम जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिंदाबाद। वही वर्ड जस्टिस, वही वर्ड जस्टिस। OPS को लागू करो, OPS को लागू करो, OPS को लागू करो, ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करो, ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करो, ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करो। वही वर्ड जस्टिस, वही वर्ड जस्टिस। दोस्तों इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम साहिल बशीर से बात करने की कोशिश करेंगे जो जिला सदर अभी अभी बन रहे हैं। क्या आपके क्या मसाइल है अभी बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, हमारे एक ही मसले नहीं है। बार बार हम आला हुकाम तक हम अपने मसाइल को लेके गए बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने आज तक इस पर गौर नहीं किया। हमारा मसला है कि ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ RETs, हमारा मसला है NPS को स्क्रैप करके OPS लागू किया जाए, हमारा मसला है कि टीचर टू मास्टर DPC को लागू किया जाए, हमारा मसला है जो हमारे CPWs हैं लैंड ओनर्स हैं जो हमारे स्कूल में बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेज एक्ट मिलाया जाए, हमारे जो ट्रांजेक्शन रुकी पड़ी है हमारे टीचर ग्रेड सेकंड और टीचर ग्रेड थर्ड, हम वो चाहते हैं कि उनकी ट्रांजेक्शन हो। बहुत सारे हमारे मसले हैं, बहुत बार हमने ये प्रोटेस्ट किए। बशीर साहब आप ये मानते हैं कि अब सारे टीचर्स रोडों पर आने वाले हैं क्योंकि अभी हाल ही में RET फॉर्म का भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो चेयरमैन श्री गणेश खजूरिया जी और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद अकबर खान, मोहम्मद अकबर डार साहब और स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी रतर साहब ने उन सब हमारे जो स्टेट लीडरशिप है एक शेड्यूल निकाला है। आज उसी शेड्यूल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट डोडा में पीसफुल कैंडल मार्च किया जा रहा है। इससे हम अपने गवर्नर इंतजामिया को बावर कराना चाहते हैं कि जो हमारे रुके पड़े मसाइल हैं, उस्तादों के रुके पड़े मसाइल हैं, इनको फौरन हल किया जाए। तो ये थे यहाँ पर साहिल बशीर जो अभी हाल ही में जिला सदर बने हुए हैं टीचर फोरम कुपवाड़ा के। तो इनके कुछ डिमांड्स हैं जो इन्होंने आपके सामने रखे। इनके मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कुछ दिन पहले यहां पर RET फोरम का भी एहतजाज हुआ था जिसमें यही सेम डिमांड्स रखी गई थी, जिसमें OPS को लागू करना और NPS को ख़त्म करना, यानी जो नेशनल पेंशन सिस्टम जो इन पर लागू है उसको खत्म करना है। और ये कह रहे हैं कि इन पर इनको जो है OPS को लागू करो, ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, OPS को लागू करो, OPS को लागू करो, हमारा हक इतने रख, हमारा हक इतने रख, साढ़े हक इतने रख, साढ़े हक इतने रख, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिंदाबाद, गणेश जी आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें लाया जाए, उस जुमरे में लाया जाए और उसमें इनके लिए जो ग्रेड 3 टीचर्स हैं उनके लिए वाजिया ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। कुछ और भी मसाले इन्होंने बोर्ड पे, जो जब हमने इनका बोर्ड देखा तो उस पे कुक्स और जो कंटिजेंट पेड वर्कर्स है उनके लिए भी इन्होंने यहाँ पर लिखा है, उनके लिए भी ये आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको भी जो है उनके लिए भी कोई वाजिया पॉलिसी होनी चाहिए।